वेलकम टू कुक विद अविनाश। आज हम लोग जाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी केक, जो प्रीमिक्स से हम बनाएंगे। इसके लिए मैं नॉर्मल जो वेनिला प्रीमिक्स रेडीमेड आता है वो लिया ले रहा हूँ। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो बेकिंग में जो है वेट का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो हमें सबसे पहले इसका वेट प्रीमिक्स का ले लेना। हम यहाँ पे आधा पाउंड केक बनाएंगे, तो सबसे पहले ये जो 250 ml का अपने पास बाउल है, इससे हमको वेट चेक कर लेना है। आप चाहिए तो ये 1.5 बाउल भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये 131 ग्राम है। आपको आधा पाउंड केक बनाने के लिए 150 से लेके 180 ग्राम तक का प्रीमिक्स लेना है, या जो आप अगर घर पे प्रीमिक्स बना रहे हैं तो 180 ग्राम के आसपास प्रीमिक्स आपका रहना चाहिए, 150 से 180। ये 131 ग्राम है, इसमें हमें और ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए 151 ग्राम हो रहा है, तो मैं यूजली हाफ पाउंड 151 ग्राम से या 150 ग्राम से बनाता हूँ। सो हम इसको वेट मशीन को साइड में रखेंगे। इस तरह से हमको एक बाउल ले लेना है, और ये चलनी जिसको बोलते हैं वो है हमारे पास। कभी भी प्रीमिक्स को केक बनाने के लिए हमें पहले सबसे पहले उसे अच्छे से चाल लेना है इस तरह से। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो भी देखिए कितने ज़्यादा इसके अंदर वो होते हैं, इससे क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे दानेदार मोटे जो इसमें वो थे प्रीमिक्स के अंदर, ये इससे केक हमारा जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता, स्पॉन्जी नहीं बनता, और उसके अंदर ये दाना रह जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा केक को हमें चालना चाहिए अच्छे से। ये देखिए, और ये जो बचा हुआ कचरा है इसे हम साइड में कर देंगे। तो ये हमारा प्रीमिक्स अच्छे से छान के 151 ग्राम रेडी है। दोस्तों, ये केक में हम केक जेल का प्रयोग कर रहे हैं। केक जेल जो है इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा। इससे केक ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, और जो भी बेकरीज में जो भी आपको ज़्यादा स्पॉन्जी केक जो मिलते हैं वो उसमें ये लोग केक जेल का ही उपयोग करते हैं। तो हम इसके अंदर जो है केक जेल का उपयोग करने वाले हैं। तो आपको जो है इसमें एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है, ये सादा पानी है रूम टेम्परेचर पे, और इसमें हम ये केक जेल का यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इससे हाफ टी स्पून है, ये हाफ टी स्पून हमें केक जेल का उपयोग करना है। ये देखिए इतना सा हाफ पाउंड केक में, तो हमें इसको अच्छे से अब इसको वो कर देना है। या तो आपके पास अगर विस्क मशीन है तो आप उससे विस्क कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसको करके विस्क कर सकते हैं अच्छे से। तो हमें कुछ इस तरह से इसको विस्क कर लेना है। मैं इसको विस्क करके आपको दिखाता हूँ। तो इस ये ज़्यादा इसमें तभी केक हमारा अच्छा बनेगा जब इसके अंदर अच्छे से हम इसको विस्क करेंगे। ये कि दोस्तों, ये जो केक जेल था वो अच्छे से विस्क कर लिया है मैंने। इसको मैं यूज़ करूँगा, इसके नीचे जो पानी रहेगा उसको मैंने वापस से यूज़ विस्क करूँगा। तो इसे 2 या 3 बार मैं विस्क कर करके ऊपर का झाग से मैं इस केक को अच्छे से बैटर रेडी करूँगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हम लोग बेकरी स्टाइल बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, और ये बटर वटर नहीं यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हम जैसे बेकरी में केक बनता है हम उसी तरह से इसे बना रहे हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीमिक्स था उसको ले लेंगे। और इस प्रीमिक्स को लेने के बाद जो है आपको ऑनलाइन ऐसे सब प्रोपोर्शन वाले ये मिल जाएंगे, कप मिल जाएंगे। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून के हिसाब से हाफ पाउंड केक में हमें ऑयल यूज़ करना है। ये देखिए, हाफ पाउंड में जो है हम 2 टेबल स्पून से लेकर 3 टेबल स्पून तक ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून ही ऑयल यूज़ करता हूँ। आप कम ऑयल यूज़ करेंगे तो केक में आपके दरारें आ जाएंगी, आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो केक आपका चिपचिपा हो जाएगा। तो ऑयल हमेशा प्रॉपर ही यूज़ करना है। और ये देखिए, ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा, ये स्ट्रॉबेरी एसेंस है, कलर वाला एसेंस है। ये देखिए, इसका हम 3 से 4 ड्रॉप इसको डालेंगे, इससे कलर भी आएगा और स्ट्रॉबेरी की स्मेल भी अच्छी आती है। तो कुछ इस तरह से हमें प्रीमिक्स अपना बना के रेडी करना है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, हमें एक स्पैचुला लेना है। ये देखिए, स्पैचुला लेना है, और जो ये हमने केक जेल को विस्क किया इसके ऊपर के जितने झाग हैं इसको हम इसमें धीरे धीरे, ये देखिए इस तरह से हम ले लेंगे। अभी जो पानी बचा इसमें और पानी मिला के हम इसको फिर विस्क कर लेंगे।
ये देखिए, और इसे हमें एक ही साइड पे क्लॉकवाइज मिक्स करना है, एंटी क्लॉक नहीं करना है, ठीक है। एक ही साइड से इसे केक के प्रीमिक्स को हमें मिक्स करना है, देखिए। और धीरे धीरे हम इसको रेडी करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, हम इसको क्लॉकवाइज जो है पेस्ट को मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए। ये बहुत थिक पेस्ट है, तो इसमें जो है हमें क्या करेंगे, ये जो हमारा केक जल मैंने उसको वापस से विस्क कर लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डालना है और फिर हमें विस्क करना है इसको, ये देखिए इस तरह से। अब बीच बीच हमें इसे इस तरह से कट करते जाना है, इससे क्या होगा जो इसके अंदर जो बबल्स हैं वो कट जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। ये भी बहुत ठीक है, तो इसमें और थोड़ा केक जेल यूज करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमें दोस्तों रेडी करना है, थोड़ा थोड़ा केक जेल यूज कर करके हमारे हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है 5 से 7 मिनट के आसपास, और इसे हमेशा क्लॉक वाइज ही आपको विस्क करना है, जैसे मैं बताया, बीच में इसको इस तरह से कट करना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने बबल्स होंगे हट जाएंगे और एयर अच्छे से, केक का जो बैटर है एयर हमारा अच्छे से कंज्यूम करेगा, ये देखिए। अब देख सकते हैं, ये देखिए, जब इस तरह से एक धारा के साथ केक का पेस्ट हमारा बैटर गिरने लगे, तो मतलब ये प्रॉपर जितना इसको थिकनेस चाहिए थी उतनी थिकनेस है। अगर ये नहीं भी गिर रहा है तो भी समझ जाइए कि ज़्यादा पेस्ट में हमें और पानी डालना है या मिल्क डालना है, और ज़्यादा तेज़ी से पतला होकर गिर रहा है मतलब आपने ज़्यादा उसको गीला कर दिया है। तो हमें पानी का प्रोपोर्शन हमेशा थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, ये देखिए हल्का हल्का, या आप जब आपका केक अच्छा गाढ़ा हो जाए उसके बाद आप इस तरह से आधा टीस्पून करके पानी यूज़ कर सकते हैं 3 से 4 बार, उससे आपका पानी कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये देखिए हमारा बैटर एकदम केक का रेडी है, और आगे हम इसको बैक करने के लिए आप आगे का प्रोसेस करेंगे। ये जर्मन का मैंने केक हाफ कोन बनाया, इस तरह से बाउल लिया है, आप चाहिए तो आप कौन से भी दिल के आकार का या राउंड या गोल छोटा बड़ा आप ले सकते हैं, बट साइज हमेशा याद रखिए कि अगर केक का बैटर जो है आपका 50% आना चाहिए तब आपका केक प्रॉपर बनेगा, उस हिसाब से आपको बाउल लेना है। अगर 50% के ऊपर आपका केक का बैटर जा रहा है बाउल के अंदर, मतलब वो बाउल आपके केक के लिए परफेक्ट नहीं है। अब नॉर्मल हम इस पे जो है इस तरह से ऑयल जो है ग्रीस कर लेंगे, ये देखिए, आप बटर भी ग्रीस कर सकते हैं, बट मैं आज बेकरी स्टाइल बना रहा हूँ तो इसमें हम सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही, जैसे बेकरीज में रिफाइंड ऑयल में बनता है केक, हम वही यूज़ कर रहे हैं। और पानी और रिफाइंड ऑयल से जो हम केक रेडी करते हैं ना, वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है और 3 से 4 दिन ख़राब नहीं होता है। अगर आप उसमें मिल्क यूज़ कर देंगे तो वो केक आपका 24 घंटे के अंदर ख़राब हो सकता है। ये देखिए हमने ये लगा लिया है, इसको ये बटर पेपर है, नॉर्मली मैंने इसे कैंची से कट कर लिया है, इसको हम बटर पेपर यहाँ पर लगा देंगे। आप चाहिए तो कट किया हुआ बटर पेपर भी आता है, या फिर आप इसका राउंड बटर पेपर ले सकते हैं, आप उसको इजीली कट कर सकते हैं अपने बाउल के हिसाब से। ये देखिए सो किस तरह से हमारा कुछ रेडी हो गया है दोस्तों। अब जो हमने हमारा बैटर बनाया था वो बैटर धीरे धीरे इसमें सब हम डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा पूरा बैटर इसमें हम खाली कर देंगे और इसको अच्छे से टैप के फ्रेंड, मैं इसको अच्छे से टैप कर लिया है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, टैप आपको कहीं भी कपड़ा रख के जमीन में टैप कर सकते हैं, केक आपका चौथा तरफ स्पेयर हो जाएगा अच्छे से प्रॉपर। कि हमें इस तरह से टूथपिक लेनी है और इसे इस तरह से राउंड राउंड घुमा देना है, इससे क्या हुआ केक के अंदर अगर बबल्स होंगे तो वो बबल्स हट जाएंगे, तो जे केक में अच्छे खड्डे बनते हो खड्डे नहीं बनेंगे और सिर्फ जालीदार केक बनेगा आपका। ये देखिए इसको भी क्लॉक वाइज ही हमें टूथपिक को भी राउंड राउंड घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं घुमाना है, ये देखिए। और इस तरह से अब हमारा केक रेडी है, मैंने गैस के ऊपर कुकर रख दिया है, कुकर मेरा 10 मिनट के आसपास मैंने प्री हीट किया है, आप कुकर में टोप में या ओवन में किसी भी बना सकते हैं। कुकर में 10 मिनट आप प्री हीट कर लीजिए कुकर को या टोप को, उसके बाद आप उसको तवा रख के बना सकते हैं या डायरेक्टली गैस पे बना सकते हैं। सो हमारा ये केक का बैटर रेडी है, चलिए अब हम केक को बेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने 10 मिनट कुकर को प्री हीट कर लिया है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है कुकर, गैस का फ्लेम एकदम लो है, हमें एकदम लो रखना है फ्लेम। अब हम हमारा जो केक है हमने रेडी किया था, ये देखिए इसको हम इसमें रख देंगे, रखने के बाद
फ्लेम एकदम लो रहेगा, हम मोटे बर्तन से जिससे इसके जो भाप है बाहर ना है उससे ढक देंगे। मैंने तवा का यूज़ किया है। और उसके बाद ये जो स्टॉप वॉच हम हमारे मोबाइल पे रेडी कर देंगे। इसको 35 से 40 मिनट लगेगा, बीच बीच में हमें देखना है। अभी 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे, फिर 25 मिनट बाद चेक करेंगे। जिस तरह से रहेगा उस तरह से हमारा केक हम बीच में चेक करते रहेंगे। दोस्तों 16 मिनट हो चुका है, अभी हम केक खोल के एक बार देख लेते हैं कि हमारा केक की क्या कंडीशन है। ये देखिए काफ़ी फ्लफी हो चुका है केक, ऑलमोस्ट डन है। इसे 2 से 3 मिनट हमें और बेक करना है। दोस्तों 23 मिनट हो गए हैं केक को हमारे बेक होते, आइए चेक कर लेते हैं क्योंकि अरोमा बहुत अच्छी आने लगी है, मतलब केक हमारा हो सकता है रेडी हो गया हो। ये देखिए हम इसे एक टूथपिक की सहायता से चेक कर लेते हैं। ये टूथपिक क्लीन निकल रही है, हमें 3 से 4 तक चेक करना है डाल के एक बार। ये देखिए हम आप गैस का फ्लेम हमारा बंद कर देंगे और हमारा केक रेडी है बेक होके। इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे हम ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे हम गार्निश करेंगे। ये अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम हमारी जो आइसिंग के लिए जो क्रीम होती है उसको रेडी करेंगे। और ये देखिए मेरे पास टोपोलाइट की क्रीम है, ये सबसे अच्छी होती है, मार्केट में मिलती है। इसे फ्रीजर में रखना है, अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। फ्रीजर में रखिए और जब भी यूज़ करना है तो आप 3 से 4 घंटे पहले इसको निकाल लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। और ये 250 ml का देख सकते हैं आप, 1 कप हमें हाफ पाउंड केक बनाने के लिए 250 ml क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आइए मेरे को निकाल के, इसको 2 घंटे हुआ है तो अभी भी ये थोड़ी ठीक है। ये देखिए तो हमें ये पिघल के 250 ml हो जाएगी क्रीम। हमें क्रीम ले लेनी है और मेरे पास ये विस्कर है, ये देखिए ये 300 वाट का है। 300 वाट से ही अच्छा विस्क होता है, 300 वाट के ऊपर रहना चाहिए। क्या अगर लाइट वाटर रहेगा तो अच्छे से आपकी क्रीम विस्क नहीं होगी और क्रीम आपकी पिघल जाएगी काफ़ी जल्दी। पहले हमें इसे 1 नंबर स्पीड पे थोड़ी देर इसको विस्क करना है। ये 1 नंबर में चला रहा हूँ, 2 मिनट हमें इसे 1 नंबर पे विस्क करना है। अब देखिए 1 नंबर पे विस्क करने के बाद ये थोड़ी फ्लफी हो रही है। अब इसे हम 5 नंबर पे विस्क करेंगे। इसमें देखिए नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो अब इसे 5 नंबर पे हम विस्क करेंगे। ये देखिए मेरे को 3 मिनट हो गया विस्क करते, अब हमारी क्रीम जो है जो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। फिर स्पैचुला से हमें जो साइड में क्रीम लगी हुई है उसको क्लीन करके वापस से उसमें ऐड कर देना है, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर सारी क्रीम विस्क होगी। 5 नंबर पे ही इसको विस्क करना स्टार्ट करना है। ये दोस्तों हमारी क्रीम विस्क हो चुकी है, इसे ओवर विस्क नहीं करना है। ओवर अगर हम कर देंगे तो क्या होगा कि क्रीम हमारी हार्ड हो जाएगी, हमें नॉर्मल इस तरह से रखना है। ये देखिए अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्रीम नीचे गिर नहीं रही है, मतलब हमारी क्रीम अच्छे से विस्क हो चुकी है। प्लस जो इसके ऊपर जो डिज़ाइन बन रहा है आप देख सकते हैं, इससे ही मालूम पड़ता है हमारी क्रीम विस्क हो चुकी है। देखिए जब आप फेंटेंगे तो देखिए देख रहे हैं आप, एक डिज़ाइन बन रहा है। तो हमारी क्रीम इस समय ऑलमोस्ट डन हो गई, इसे आप पकड़ सकते हैं। देखिए इसमें भी क्रीम अच्छे से चिपक रही है। अब इसे हमें फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है ठंडा रहने के लिए। और जब हमारा केक के लिए जब हमें यूज़ करना होगा तभी हम इसे निकालना है। तो अभी हम केक का पहले कट करेंगे केक, तो इसको हम तब तक के लिए फ्रिज में रखेंगे। देखिए हमारा केक बन के जो रेडी हुआ था, ये देखिए ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर। इसे क्रस्ट देखिए, तो इसको क्रस्ट को हमें कट करना पड़ेगा। और इसका देखिए सो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पॉन्जी केक है। देखिए ये केक जेल की वजह से इतना स्पॉन्जी केक बना हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, हमें इस तरह से आपके पास नॉर्मल नाइफ या इस तरह से केक की नाइफ आती है वो आप ले लेंगे, और आपको सबसे पहले इसके ऊपर का जो है वो कट कर देना है। ये देखिए ये कट करने के बाद जो इसके अंदर का साइड का जो क्रस्ट है हम इसको भी कट कर देंगे प्रॉपर। आप इस तरह से आप कट कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है दोस्तों, मैंने कट कर लिया है। ये देखिए साइड से भी मैंने कट कर, पीछे का सॉफ्ट है तो इसको पीछे कट करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से मैंने इसको पूरा कट कर लिया है साइड से भी। देखिए अब हमारा केक को हम 2 या 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है केक को। आप नॉर्मल धागे से कट कर सकते हो या फिर जो मेरे पास नाइफ है उससे कट कर सकते हो। पतला मोटा का आपका लेयर कट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सेटअप अच्छे से करना है। ये देखिए मैं सबसे पहले जो है इसमें की जो सबसे इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी मैं सबसे पहले उसको यूज़ करूँगा। आपके नीचे अगर आपका स्लिप होगा इस पर चाहिए तो आप हल्का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम लगा के फिर आप इस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह से आप क्रीम लीजिए और टंग टेबल पे आप इस तरह से क्रीम लगा लीजिए, इससे क्या होगा कि आपका केक स्लिप नहीं होगा जब आप केक को राउंड घुमाएंगे। फिर इसके ऊपर हमने ये क्रीम हमारे केक का लेयर ढक दिया है,
ठीक है, जो टुकड़े उकड़े हैं आप इसमें साइड में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब इसमें क्या है दोस्तों कि मैं पानी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, चीनी पानी आप डाल सकते हैं, शक्कर का पानी, या उसको सॉफ्ट करने के लिए। मेरा डो ऑलरेडी सॉफ्ट बनता है काफ़ी, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी सिरप है, क्रस ख़त्म हो गया था तो मैं सिरप से बना रहा हूँ, आप इसमें क्रस यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि केक जो सिरप है केक के अंदर तक जो पोर तक अच्छे से फिल कर देगा, और केक में पूरे पीस के अंदर स्ट्रॉबेरी का अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए हमारा क्रीम है, ये हमने इसको अच्छे से, ये देखिए अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये क्रीम को हम थोड़ा डालेंगे। आप कम ज़्यादा क्रीम कर सकते हैं आपके हिसाब से, नॉर्मल हमें इस तरह से केक का जो एक नाइफ आती है उसको यूज़ करना है, और इसे हम इजीली, ये देखिए बहुत हल्के हाथों से हमें टंग टेबल को घुमाते हुए इसे, ये देखिए आप एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज आप घुमाते हुए इसे आप हमें स्प्रेड करना है पूरे केक के हमारे उसके ऊपर, ये देखिए। अब इसमें आप चाहिए तो इसके बीच में आप स्ट्रॉबेरी के चंक्स डाल सकते हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरी के डाल सकते हैं, या पैकेट का स्ट्रॉबेरी का भी चंक्स आते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है आपको कि आपको किस तरह से केक बनाना है, ठीक है। ये हम लोग बहुत बेसिक केक बना रहे हैं, जो आपको नॉर्मल स्ट्रॉबेरी केक मिलता है। ये देखिए जो साइड में है आपके क्रीम, उससे हम साइड साइड में इसको इस तरह से वो कर देंगे। ये देखिए इससे क्या होगा, जो केक के जो चूरे हैं हमारे निकल रहे हैं, वो केक काफ़ी ज़्यादा स्पॉट सॉफ्ट है, इस वजह से हो रहा है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा क्रीम लग चुका है। अब इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर करेंगे। सेकेंड लेयर की देखो मेरे पास बहुत पतली लेयर है, तो मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ। इस साइड पतला था इसलिए मैं इस साइड यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए मैंने सेकेंड लेयर भी लगा दिया है। अब इसके बाद हम हमारा थर्ड लेयर लगाएंगे। सेकेंड लेयर लग चुका है, तो अब हम हमारा जो थर्ड लेयर है वो लगाएंगे। ये देखिए थर्ड लेयर है, इसको हम अच्छे से रख देंगे। ये सबसे बीच वाला लेयर था, इसको हम सबसे टॉप पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छे से इसको हम फिनिशिंग हुई है, तो ये इससे केक हमारा प्रॉपर गोल शेप में रेडी होगा। अब इसके ऊपर भी हमको हमारी जो क्रीम है उसको हम यूज़ कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप इसको फ्रीज़र में रख के थोड़ा सेट होने दीजिएगा, और फिर उसके बाद आप सेकेंड कोटिंग कर सकते हैं क्रीम की। अब इसी के दोस्तों मैंने इसको प्रॉपर आइसिंग कर दी है, इसके अब हमें थोड़ी देर फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। इसके बाद हम इसके ऊपर नेचुरल ग्लेज जो होता है हम उसका यूज़ करेंगे, उसको फाइनल फिनिशिंग देंगे। बेसिकली जो एक केक की नाइफ होती है, इसको आपको साइड में आपको सेट करना है, इसको 45 डिग्री में आपको इस ऐसे करके हल्के हाथों से आपको इसको सेटअप करना है। देखिए धीरे धीरे टंग टेबल आपका घुमा के, इस तरह से आपके केक की साइड की आइसिंग होती है, ये देखिए आराम से। और नाइफ को क्लीन करना है, और जो नाइफ क्लीन करने के बाद जो ऊपर की है इसको आइसिंग है क्लीन, उसे हमेशा बाहर से अंदर की तरफ करना है हमें, और नाइफ को हमें एक कपड़े से या उसी टेबल से हमें क्लीन करते रहना है। तो इस तरह से हम हमारे केक की आइसिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये नेचुरल जो है जेल है, या ग्लेज भी जिसको बोलते हैं, ये 1 किलो का डब्बा है, आप इसको मार्केट में आप ले सकते हैं, अराउंड आपको ये 200-250 रुपये मिल जाएगा, और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 6 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो केक में साइन आता है ना, वो इसी से आता है। और इससे क्या होता है, अगर आप केक जो बेकरी में जो केक लिए रहते हैं, वो लोग की केक जो है ना 2 दिन भी अगर हो जाए, तो केक जो साइड साइड में जो क्रीम लगी रहती है वो सूखती नहीं है, कड़क नहीं होती है इस जेल की वजह से, क्योंकि ये मॉइस्चर को अंदर जाने नहीं देता और मॉइस्चराइज रखता है केक को। तो हमें ये इसमें, ये देखिए बहुत ज़्यादा ये थिक होता है, ये देखिए, तो इसको आप अपने हिसाब से रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम इतना नेचुरल जेल लेंगे, हम 2 लेंगे हम केक, क्योंकि ये केक को डेकोरेट कर रहे हैं रेड कलर से, और उसमें साइड साइड में ग्रीन कलर लगाएंगे, तो ब्लू कलर, तो हम 2 उसमें नेचुरल जेल ले लेंगे। ये देखिए मेरे पास एक कलर है, ये कैंडी कलर है, ऑयल बेस्ड कलर होता है, काफ़ी ज़्यादा साइन करता है। अच्छा, इसकी 2 बूंद लगेगी, ये रेड है और ये ब्लू है, दोनों ही कैंडी कलर है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो हम इसका यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इस कलर को, ये देखिए 2 ड्रॉप ले लेना है, और उसके बाद हमें एक स्पून की सहायता से इसमें पानी मिला देना है, और हमें देख लेना है, और इस तरह से फेंट लेना है, हमें देख लेना है किस तरह से हमें रखना है, इसका कलर कितना डार्क चाहिए कितना लाइट चाहिए, और
अच्छे स्प्रेड हो जाए केक पे, इस तरह से हमें इसकी थिकनेस रखनी है। रेड कलर का रेडी है, इससे केक काफ़ी अच्छा बनता है। ये देखिए, इसमें हम ब्लू कलर ऐड करेंगे। ये देखिए, नॉर्मली हमें 2 से 3 ड्रॉप ब्लू कलर की ले लेनी है और इसको आप पानी डाल के हल्का मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, हमारा ब्लू कलर रेडी है, हमारा रेड कलर भी रेडी है। तो अब इससे हम केक की हमारी डेकोरेशन करेंगे। अब हम केक अपनी निकाल लेते हैं फ्रिज से। केक देखिए, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। एक्चुअली मैंने क्या करा, इसको जो है मेरे ध्यान से उतर गया था। हमें इसको जो है केक को पहले जो है इस स्क्रैपर की सहायता स्क्रैप कर देना चाहिए था साइड से। इससे जो केक शॉप पे आप देखते ना डिज़ाइन बनती है वो बनती है। बट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, थोड़ा क्रीम हार्ड हो गई है, बट फिर मैंने ट्राई किया तो हो गया है। बट आप इसको पहले ही स्क्रैप करिए, केक फ्रिज में रखने के पहले ही। देखिए, इस तरह से हमें क्रॉस में रख के इसको स्क्रैप करना है। इससे इस तरह से केक पे डिज़ाइन बन जाएगी, आप देख सकते हैं। और केक हमारा अच्छा रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है इस तरह से, और मैंने अपना जो रेड कलर का ग्लेज था उसमें हमने पहले पाइपिंग बैग में डाल दिया है। जो प्रोफेशनल केक बेकरी में तो लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको हैबिट रहती है, हैंड प्रैक्टिस रहती है। बट आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए, एकदम छोटा सा मैंने कट मारा है इसके ऊपर, और फिर हमें इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए हमारे टंग टेबल को इसको जैसे भी आपको आपको स्प्रेड कर देना चाहो तरफ। इससे क्या होगा कि इवन केक में हमारे वो लग जाएगा ग्लेज। ये देखिए, इस तरह से हमें स्प्रेड करना है इसको, देख रहे हैं आप। कम पड़े आपको ग्लेज तो आप फिर से एक्स्ट्रा ग्लेज बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, हमें पूरा चाहो तब इसको स्प्रेड करना है। अभी हम लोग ऊपर ही कर रहे हैं, ये नेचुरली ये ग्लेज है। फिर हम ये जो शक्कर से बना होता है हम नॉर्मल से लेके इसको हम ऐड कर देंगे इस तरह से। एकदम हल्के हाथों से करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, एकदम हल्के हाथों से टंग टेबल को घुमाते हुए, ये देखिए, इस तरह से आप इसको ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसे आपको याद रखना है कि एकदम हल्के हाथों से आपको करना है। अगर आपको लगता है आपका ग्लेज काफ़ी गाढ़ा है तो आप इसे पहले ही और पतला कर लीजिए कि ईजिली ये स्प्रेड हो जाए। ये देखिए, मुझे थोड़ा हैबिट हो गई है, आदत पड़ गई है, तो थोड़ा ग्लेज अगर गाढ़ा भी रहेगा तो ये मैं स्प्रेड हो जाता है धीरे धीरे। बट अगर आप पहली बार केक बना रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं भी अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, तो आप इसको ग्लेज को थोड़ा और पतला रखिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी क्रीम बाहर आने लगेगी। ये देखिए, हम ऑलमोस्ट हम ग्लेज लगा दिए हैं। इससे केक हमारा मॉइस्चराइज रहेगा काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा। इसको आप फ्रिज में 2 दिन भी रखेंगे तो भी आपका केक एकदम फ्रेश रहेगा, और प्लस शाइन भी आती है। तो कुछ इस तरह से हमें इसको पूरा सेटअप बना लेना है। दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से चारों तरफ से, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको ग्लेज को लगा दिया है, रेड ग्लेज को। देखिए कितना मस्त शाइन कर रहा है। आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उससे भी इसको साइड को अच्छे से ग्लेज को स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर आप मैं बोला केक के नाइफ से आप स्प्रेड कर सकते हैं, या इस तरह से आपको छोटे छोटे प्लास्टिक के मार्केट केक के शॉप में मिल जाएंगे, उनसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। अब हमने जो हमारा ब्लू कलर था उसको भी हमने पैकिंग बैग में ले लिया है, और इसमें हम एकदम, ये देखिए, एकदम छोटा सा कट लगाएंगे, ये देखिए। और अब इसके चारों तरफ हमें, हम बीच से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, इस तरह से हमें गोल करते जाना है। ये देखिए, जहाँ आपका लाइन अगर टूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बाद में फिनिशिंग दे सकते हैं। बट हमें इस तरह से हमारी लाइन को पूरा एंड तक रेडी कर देना है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से हमें हमने लाइन बना देना है। अब जहाँ हमने हमसे गैप छूट गया था उसे हम वापस कर देंगे। कहीं आपको लग रहा है कि बहुत पतला है तो आप वापस से एक बार राउंड उसी पे घुमा दीजिए, तो आपकी लाइन मोटी हो जाएगी, प्लस आप एक्स्ट्रा उसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको फाइनल डिज़ाइन देंगे। तो ये बीच में आ गया, हमने अच्छा सा गोल कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक टूथपिक लेनी है, और टूथपिक के एंड से हमें ऐसे करते जाना है। ये देखिए,
तो इससे क्या होगा, हमारा केक पे पूरा ये लग जाएगा। टूथपिक को हमें बार बार क्लीन करते रहना है और इस तरह से हमें सारी लाइंस को जोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से हमारा केक की डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। फ्लावर डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और कोई यकीन नहीं करेगा आपने ये केक घर पे बनाया हुआ है। काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। इसको अब हम फाइनल टच देंगे। अब हमारे केक को हम इस तरह से प्लेट आपको 10 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा, या आपके पास घर में केक आता है उसको क्लीन करके रीयूज कर सकते हैं, और या 10 रुपये का ले सकते हैं। हमको ये केक आराम से उठा के इसके ऊपर एकदम आराम से निकालना है। ये देखिए इस तरह से कुछ, ये देखिए हमारा केक बन के रेडी है। अब इसको साइड में आप चाहिए तो इसके ऊपर आप चॉकलेट की गार्निशिंग कर सकते हैं, साइड में भी फिनिशिंग दे सकते हैं। हम इसका साइड में फिनिशिंग देंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये क्रीम बची हुई थी हम साइड साइड में इसके लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से क्रीम को हमें पाइपिंग बैग में ले लेना है। अगर आपसे ना बने पाइपिंग में डालते तो आप ग्लास के अंदर इस पाइपिंग बैग को रख के और उसके बाद भी आप यूज डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली देखिए इस तरह से हमें एकदम इसे कॉर्नर पे कर देना है। ये देखिए इस तरह से कुछ, ये एक्सेस क्रीम आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फिर हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है। फोल्ड करते हुए हमें एकदम क्लियर कॉर्नर पर आ जाना है। देखिए देख रहे आप, ये देखिए ये नॉर्मल स्टार नोजल है मैं यूज़ कर रहा हूँ छोटा वाला, और इसको जो कॉर्नर है इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर हमें हमारा जो केक है इसके कॉर्नर्स पे ये देखिए इस तरह से हमें बस ये देखिए इस तरह से बनाते जाना। ये देखिए स्टार्ट किया छोड़ दिया, स्टार्ट किया छोड़ दिया, स्टार्ट किया छोड़ दिया, स्टार्ट किया छोड़ दिया। आप चाहिए तो इसके अंदर कलर भी यूज़ कर सकते हैं और कलर के साथ ही बना सकते हैं। मैंने बेसिक वाइट क्रीम से ही बना रहा हूँ, ये काफ़ी सुंदर लगेगा स्ट्रॉबेरी केक के बॉर्डर पे। ये देखिए तो बस इस तरह से आपको हमारा कंप्लीट करना है। देखिए दिख रहा है, इस तरह से हमें आपको पूरा हमारा साइड बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बेकरी टाइप घर पे बना हुआ केक रेडी है। आप इसके ऊपर चाहिए तो किसी का नेम लिख सकते हैं, चॉकलेट का नेम प्लेट बना के आप उस पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत इजी है बनाना, आप घर पे बनाएंगे तो जो भी आप जिनको भी आप खिलाएंगे वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। ये देखिए, और ये बेसिक डिज़ाइन है, काफ़ी प्रैक्टिस करते थे आप और अच्छे से बना सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।